नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 4 सितंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,42,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 1,922 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या 1,42,156 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 121, अरवल में 12, औरंगाबाद में 69, बांका में 30, बेगूसराय में 26, भागलपुर में 103, भोजपुर में 14, सर में 22, दरभंगा में 36, पूर्वी चंपारण में 81, गया में 59, गोपालगंज में 37, जमुई में 26, जहानाबाद में 28, कैमूर में 46, कटिहार में 46, खगड़िया में 21, किशनगंज में 50, लखीसराय में 16, मधेपुरा में 55, मधुबनी में 121, मुंगेर में 10, मुजफ्फरपुर में 113, नालंदा में 25, नवादा में 18, पटना में 255, पूर्णिया में 67, रोहतास में 33, सहरसा में 58, समस्तीपुर में 46, सारण में 54, शेखपुरा में 10, शिवहर में 16, सीतामढ़ी में 48, सिवान में 29, सुपौल में 59, वैशाली और पश्चिम चंपारण में 41। वहीं कोविड-19 की वजह से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 1,24,976 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 728 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार में सभी ब्रांच पोस्ट ऑफिस में खुलेगा कॉमन सर्विस सेंटर। बिहार के डाकघर के सभी ब्रांच ऑफिस में कॉमन सर्विस सेंटर खोलने की तैयारी कर दी गई है, जिसके तहत जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत रेलवे टिकट बनाने सहित 300 सेवा उपलब्ध करवाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत जल्द होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार पूरे राज्य में डाकघर के 8,000 ब्रांच ऑफिस है। डाक विभाग में प्रथम चरण में 200 ब्रांच ऑफिस में कॉमन सर्विस सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है। आज से सहरसा से पटना के बीच राज्य रानी एक्सप्रेस सहित 3 ट्रेनों के परिचालन की होगी शुरुआत। आज से नीट, जेईई सहित अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सहूलियत के लिए 15 सितंबर तक सहरसा से 3 जोड़ी ट्रेन चलाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। रेलवे ने बिहार सरकार के अनुरोध पर सहरसा पटना राज्य रानी सुपरफास्ट, सहरसा राजेंद्र नगर इंटरसिटी और सहरसा पाटलिपुत्र जनहित एक्सप्रेस दोनों तरफ से चलाने का निर्णय लिया है, जिसकी जानकारी समस्तीपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सरस्वती चंद्र ने दी है और बताया है कि राजरानी इंटरसिटी और जनहित एक्सप्रेस तीनों ट्रेन स्पेशल बनकर चलाए जाएंगे। बिहार एसटीईटी एडमिट कार्ड हुआ जारी। बीते दिन बिहार एसटीईटी एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है। बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 पुनर्परीक्षा में प्रवेश पत्र को आधिकारिक वेबसाइट www.bsebstet.gov.in पर जाकर इसे डाउनलोड किया जा सकता है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। यह परीक्षा 9 सितंबर से 21 सितंबर के बीच बिहार राज्य के पटना, भोजपुर, नालंदा, गया, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर और पूर्णिया जिला मुख्यालय में 3 पालियों में आयोजित करवाई जाएगी। हालांकि परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों के लिए होम सेंटर की व्यवस्था नहीं की गई है। बिहार के स्वास्थ्य महकमे में होगी 12,000 बंपर बहाली। बिहार में पिछले 3 साल में स्वास्थ्य विभाग में 21,530 नियुक्तियां अलग अलग कोटी में की गई है, जिसकी जानकारी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। उन्होंने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहा है, तो प्रतिपक्ष के नेता को नियुक्तियों से जुड़े आंकड़ों को पढ़ लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रही है और सुविधाओं में भी सुधार लगातार देखने को मिल रहा है। एनडीए सरकार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री माननीय सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है उसका यह ट्रेलर है। नियुक्तियों के अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इस महीने सितंबर में सामान्य चिकित्सा में 221, विशेषज्ञ चिकित्सा में 400, जीएनएम में 4,000 और 8,000 एएनएम में, इसके साथ ही 12,621 पदों के लिए विज्ञापन निकलने वाला है। दरभंगा पहुंची केंद्रीय टीम ने लिया बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा। दरभंगा जिले में बाढ़ के कारण बर्बादी का आकलन करने बीते दिन केंद्रीय टीम पहुंची थी। टीम का नेतृत्व केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पीयूष गोयल ने किया है। वायुसेना के हवाई अड्डे पर उतरकर केंद्रीय टीम ने यहां के सभागार में डीएम डॉक्टर त्याग राजन, एसएम और फिर अन्य अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की। इसके बाद केंद्रीय टीम ने बाढ़ प्रभावित केवटी प्रखंड और खिरमा में किसानों से मुलाकात कर फसल के नुकसान के संबंध में उनकी शिकायतें सुनी है। आपको बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा करने के लिए 6 सदस्यीय टीम को बिहार भेजा गया है। भाजपा ऑफिस के अंदर अतिथि टीचरों का दिखा विरोध। बिहार में अतिथि टीचर इन दिनों नाराज नजर आ रहे हैं। इसी का प्रमाण बीते दिन देखने को मिला, जब बिहार भाजपा ऑफिस के अंदर अतिथि टीचरों ने जमकर बवाल किया। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के अतिथि सहायक प्राध्यापक काफी संख्या में भाजपा ऑफिस के अंदर बीते दिन पहुंचे थे और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से मिलने की मांग कर रहे थे, जहां पर सरकार से नियमित
करने की मांग कर रहे थे। पुलिस के समझाने के बावजूद कोई अतिथि शिक्षक बाहर नहीं निकला, जिसके बाद अतिथि सहायक प्राध्यापकों और अध्यापकों को साफ तौर पर कह दिया गया था कि जब तक उप मुख्यमंत्री से नहीं मिल लेते हैं तब तक वो वहां से नहीं हिलेंगे। बिहार का सुपौल जिला हुआ धूम्रपान मुक्त। बिहार के सुपौल जिले को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है, जिसकी जानकारी सुपौल में महेंद्र कुमार ने दी है। जिला समाहरणालय में डीसीपी हॉल में धूम्रपान मुक्त जिला घोषणा समारोह का आयोजन किया गया था। बिहार के सुपौल जिले को इसी बाबत अहम कामयाबी मिली है। बीते दिन साझा की गई जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया है कि इसके लिए तकरीबन 4-5 साल से काम चल रहा था और इसमें नोडल पदाधिकारी और संबंधित पदाधिकारी के द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से यह संभव हो पाया है। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री की पत्नी की कोविड-19 की वजह से गई जान। कोविड-19 ने आम नागरिकों की परेशानी बढ़ा रखी है। इसी बीच राजनीतिक गलियारे में कोविड-19 की वजह से एक और जान चली गई है। मिली जानकारी के अनुसार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद आलम की पत्नी कोरोना की वजह से दुनिया को अलविदा कह चुकी है। उनके गुजर जाने के बाद राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके जाने पर शोक व्यक्त किया है, साथ ही मंत्री खुर्शीद आलम को हिम्मत से काम लेने को कहा है। आपको बता दें, कोविड-19 की वजह से खुर्शीद आलम की पत्नी को पटना एम्स में भर्ती करवाया गया था। रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी अभी भी है बरकरार। राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह अभी भी कोविड-19 के प्रभाव से पूरी तरीके से उबर नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से दिल्ली एम्स में उनका इलाज जारी है और दूसरी तरफ रामा सिंह को लेकर अभी तक वो नाराज चल रहे हैं। रघुवंश बाबू की देखभाल में लगे केदार सिंह ने बताया है कि अभी कुछ दिन में वो दिल्ली में रहने वाले हैं क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। हालांकि उन्होंने राजनीतिक प्रकरण पर फिलहाल कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे यह भी कहा है कि इन दिनों रघुवंश बाबू ना तो किसी से मिल रहे और ना ही राजद के बारे में कोई प्रतिक्रिया दी है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हुए थे। अपनी कविता के लिए मशहूर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 में बेगूसराय जिले के सिमरिया घाट में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में कविता, खंड काव्य, निबंध, समीक्षा, कई चीजों का लेखन किया था, जिसके लिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया गया है। 1959 में उन्हें साहित्य अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1959 में ही उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था। वहीं आपको बता दें, दिनकर ने पटना विश्वविद्यालय में इतिहास, राजनीति विज्ञान में बीए किया था। उन्होंने संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन भी किया था। वहीं 24 अप्रैल 1974 को 65 साल की उम्र में उन्होंने मद्रास, तमिलनाडु में आखिरी सांस ली थी। नए नारे के साथ डिजिटल हाईटेक रथ पर चुनाव प्रचार को भाजपा हुई तैयार। कोविड-19 के माहौल के बीच आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तैयारियां जोर शोर से बिहार के गलियारे में देखने को मिल रही है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने भी 110 डिजिटल रथ चुनाव प्रचार के लिए तैयार कर लिया है। साथ ही इस बार भाजपा है तैयार आत्मनिर्भर बिहार के नारे के साथ जनता के बीच में जाने के लिए तैयार है। बस विधानसभा चुनाव में पहले प्रचार के रथों को हरी झंडी का इंतजार है। आपको बता दें, यह रथ इस तरीके से बनाए गए हैं कि यह आसानी से मंच का काम भी कर सकते हैं। बीते दिन एक बार फिर से लालू यादव से मिलने पहुंचे कई विधायक। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीते दिन एक बार फिर से कई लोग लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे थे। हालांकि लालू यादव से मिलने रांची पहुंच रही राज्य विधायिका को 14 दिन के क्वारंटाइन में डालने के बाद ऐसी उम्मीद जागी थी कि शायद अब लालू यादव की दरबार नहीं लगेगी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। गुरुवार को भी लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए सैकड़ों लोग रिम्स के डायरेक्टर के बंगले के बाहर देखे गए हैं। हर दिन की भांति बीते दिन भी सुबह 7 बजे से रांची के रिम्स निदेशक आवास के बाहर आने वाले राजनेताओं की भारी संख्या देखी गई। बिहार के 2 शिक्षकों को वेबिनार के जरिए दिया जाएगा पुरस्कार। बिहार के 2 शिक्षकों को वेबिनार के जरिए सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य शिक्षा विभाग को अवगत करा दिया है। वेबिनार के जरिए राष्ट्रपति बिहार के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित करने वाले हैं। इनके मेडल और प्रशस्ति पत्र और जिला स्तर पर भेज दिया गया है। इस साल बिहार के 2 शिक्षकों में सारण के अखिलेश पाठक और बेगूसराय के संत कुमार सैनी का नाम शामिल है। इन्हें इनके जिला मुख्यालय पर NIC में ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मान से देश के कुल 47 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। बिहार में कोविड-19 की रिकवरी दर पहुंची 88% पर। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या जो है एक तरफ बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ठीक होने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन मिली जानकारी के अनुसार कोविड-19 संक्रमितों की रिकवरी दर 87.91% पर पहुंच गई है। वहीं अब तक राज्य में कुल मिलाकर 35,71,055 सैंपल की जाँच की जा चुकी है, जिसमें से 1,42,156 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं।
सुशांत सिंह राजपूत मामले में मीडिया ट्रायल के खिलाफ पूर्व पुलिस अफसर पहुंचे अदालत। मुंबई के 8 पूर्व आईपीएस अफसरों ने मुंबई हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करके सुशांत सिंह राजपूत मामले में मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की है। इन 8 पूर्व आईपीएस अफसरों की तरफ से जारी किए गए जनहित याचिका में कहा गया है कि गलत रिपोर्टिंग कर मुंबई पुलिस की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। जो सही हो वो तटस्थ होकर खबर चलाएं। इस पूरे मामले में बेवजह मुंबई पुलिस की छवि खराब की जा रही है। आज से मास्क नहीं पहनने वालों पर प्रशासन दिखाएगी सख्ती। आज से मास्क नहीं पहनने वालों की खैर नहीं है। प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर फेस मास्क के उपयोग में ढिलाई बरतने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। सार्वजनिक स्थान पर लोगों द्वारा 100% मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य हो गया है। ऐसा नहीं करने वालों पर सख्ती से पेश आया जाएगा। वहीं सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक वाहनों में बिना मास्क के लोगों से वसूली की जाएगी, जिसको लेकर 4 सितंबर यानी कि आज से अगले 10 दिन तक मास्क के उपयोग की जाँच के लिए सघन मुहिम चलाई जा रही है। कोइलवर से सोन नदी पर बनकर तैयार हुआ नया पुल। भोजपुर जिले के कोइलवर पुल में तकरीबन 194 करोड़ रुपए की लागत से नया पुल बनकर तैयार हो गया है। इस पुल में कुल 74 स्पेन है। नए पुल की लंबाई पुराने पुल से अधिक लंबी है। सोन नदी पर बने ऐतिहासिक अब्दुल बारी पुल, जो कि कोइलवर पुल के नाम से मशहूर है, उसके समानांतर दूसरा नया पुल बनकर तैयार हो गया है। सोन नदी पर बन रहे इस 6 लेन के पुल का दक्षिणी लेन पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है, जिसकी शुरुआत होते ही अब सड़क यातायात पूरी तरह से इस पुल पर शिफ्ट हो जाएगी। ट्रेनों का परिचालन पुराने अब्दुल बारी पुल से ही जारी रहेगा। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने चुनाव के दौरान एनडीए के सामने 2 भ्रष्टाचारी और वंशवादी दल होने की कही बात। आगामी विधानसभा चुनाव में लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन राजद और कांग्रेस को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने दोनों ही पार्टियों को भ्रष्टाचारी और वंशवादी तक बताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि अब यह साफ हो गया है कि विधानसभा चुनाव में एनडीए के सामने केवल 2 आदतन भ्रष्टाचारी और परंपरागत दल होंगे। इससे जनता को यह फैसला करने में आसानी होगी कि न्याय के साथ विकास को आगे बढ़ाया जाए या काम के बदले जमीन लिखवाने वालों को। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जीतन राम मांझी के राजद कांग्रेस को साथ छोड़ने के बाद विपक्ष सिर्फ राजद कांग्रेस का साझा पॉलिटिकल करप्शन फोरम रह गया है। तेजस्वी यादव की यूथ पॉलिटिक्स के खुले राज। बिहार विधानसभा चुनाव आने में कुछ ही समय बचे हैं, इसलिए चुनावी तैयारी भी जोर शोर से जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इसी क्रम में लगातार चुनावी मैदान में उतरने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर ले रहे हैं। तेजस्वी यादव इस बार चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे और युवाओं पर खास ध्यान दे रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव यूथ पॉलिटिक्स का क्या राज है, आखिर क्यों बार बार युवाओं का मुद्दा उठा रहे हैं? राजनीतिक जानकारों की माने तो इस बार 17 लाख युवा विधानसभा में अपना वोट का इस्तेमाल करने वाले हैं, और यही कारण है कि वो यूथ को अपनी तरफ करने में जुट गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आपके साथ मिलकर तीसरे मोर्चे की तैयारी में यशवंत सिन्हा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एक तरफ जहां नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में एनडीए और महागठबंधन को कड़ी चुनौती देने के लिए तीसरे मोर्चे की तैयारी शुरू हो गई है। तीसरे मोर्चे में आम आदमी पार्टी समेत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस और अन्य राजनीतिक दलों को जोड़कर लोगों के सामने विकल्प पेश किया जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रहे पूर्व वित्त मंत्री और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के अध्यक्ष यशवंत सिन्हा तीसरे मोर्चे को लेकर आपसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। जदयू ने जीतन राम मांझी को बताया अपने समाज और बिहार का बड़ा नेता। दल बदल की राजनीति के बाद दल बदलने वाले राजनेताओं के सुर भी पूरी तरीके से बदल जाते हैं। इसी क्रम में प्रदेश जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने जीतन राम मांझी की तारीफ की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार व्यक्तित्व ऐसे हैं कि राजनीति में हर कोई उनके साथ आ जाता है। भले कुछ समय के लिए कोई नाराज हो जाए, लेकिन उनके दर्शन और दृष्टि दोनों साफ है, विकास की राजनीति करते रहते हैं। संजय सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने समाज और बिहार के एक बड़े नेता रहे। मांझी के एनडीए में आने से बिहार की राजनीति पर तत्कालीन असर पड़ेगा। पप्पू यादव ने कांग्रेस को लीड करने की दी नसीहत। जा प्रमुख पप्पू यादव ने बीते दिन विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को 2 टूक नसीहत दी है, जिसके तहत उन्होंने पहले तो बिहार की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, यहां राष्ट्रपति शासन की जरूरत है और आगामी विधानसभा चुनाव राष्ट्रपति की देखरेख में करवाया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने कांग्रेस को 2 टूक नसीहत देते हुए कहा है कि पार्टी बड़ी पार्टी है और महागठबंधन को लीड करने के लिए उसे आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस के नेताओं को अपने दल की ताकत को समझनी चाहिए और बिहार में नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आना चाहिए। मैं कांग्रेस का समर्थन करने के लिए तैयार हूं। पूर्व भारतीय पेसर आरपी सिंह दूसरी बार बने पिता। पूर्व भारतीय पेसर आरपी सिंह लगातार दूसरी बार पिता बन गए हैं। उन्होंने यह खुशखबरी अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से साझा की है। आरपी सिंह की पत्नी देवांशी ने बेटे को जन्म दिया है। उनके इस ट्वीट के बाद फैंस और क्रिकेट खिलाड़ियों ने उन्हें पिता बनने की ढेरों शुभकामनाएं दी है। आरपी सिंह ने देवांशी पोपट के साथ 2012 में शादी की थी। 2017 में उनकी पहली बेटी का जन्म हुआ था।
उनकी बेटी का नाम ईरा आर्या है। इसके साथ ही आरपी सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भगवान की कृपा से देवांशी और मुझे अपने बेटे के जन्म की जानकारी देते हुए बेहद खुशी हो रही है। व्हाट्सएप ने वेकेशन मोड पर फिर काम किया शुरू। व्हाट्सएप ने फिर से वेकेशन मोड पर काम करना शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार इस फीचर की मदद से यूजर को नया मैसेज आने के बावजूद आर्काइव किए गए चैट्स को म्यूट करने का ऑप्शन मिलेगा। मौजूदा वक्त में व्हाट्सएप अपने यूजर को चैट्स को आर्काइव करने की सुविधा देता है, लेकिन जैसे ही एक नया मैसेज आता है यूजर के लिए नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाता है। हालांकि इस फीचर के बाद यह इस एबिलिटी को डिसेबल कर सकता है। आपको बता दें इस फीचर के बारे में एक साल पहले रिपोर्ट्स मिली थी, लेकिन बाद में शायद व्हाट्सएप ने इस पर काम करना बंद कर दिया था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है महेश कुमार, पप्पू कुमार, चंदन यादव, रीना कुमारी, नवीन बाबू, उजाला चौधरी, अंकित कुमार, नीतीश कुमार, वंदे भारत, नितीश पासवान, सूरज चौधरी, प्रिंस कुमार, मनीष कुमार, श्रीकांत, विक्रम कुमार, राहुल राज, बबलू कुमार, सिकंदर कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में बेरोजगारी को खत्म करने में बिहार सरकार सफल साबित हुई है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।